फिलहाल हम लोग पहुंच गया जहाँ पर आप लोग से मैं इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, मतलब जो मैं बात बोलने वाला हूँ आप लोग से वो उस बात को अभी बोलूँगा, बता दूँगा किस चीज़ का था वो जो मैंने हाथ में पकड़ा था। अभी आइए आप लोग आते रहे मेरे पीछे पीछे, तो दिखाइए थोड़ा नज़ारा, पहले मेरे दोस्तों को पहले नज़ारा दिखाइए यहाँ का नज़ारा। ओके अभी फ़िलहाल ये जगह जो है ये रेस्ट्रिक्टेड है। सॉरी मैंने सनग्लास पहना है क्योंकि बहुत धूप है, आप लोग देख सकते हैं मेरे फेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से मैं सनग्लास पहना हूँ। अभी मैं अंदर जाके थोड़ा बैठता हूँ, बैठने के बाद आप लोग से बात करता हूँ। चलिए अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ इस जगह का नाम है सेमेट्री, बोटोलैंड सेमेट्री, और यहाँ पर आप लोग को एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये प्लेस अभी ताला मारा हुआ है गेट को, तो फिर भी हम लोग ने ऐसे तैसे करके अंदर घुसा। लोकल लोग को पता होगा क्योंकि सबको पता है ताला लगने से भी यहाँ पर कैसे आ सकता है ये प्लेस। अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के चला जाएगा घर वापस क्योंकि थोड़ा काम भी है। अभी पहले इंजॉय करें यहाँ का ब्यूटी को, आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ का ब्यूटी पहले, और देखिए जितने भी आप लोग ग्रास दिखाई दे रहे हैं ग्रीन ग्रीन, यहाँ पर सब फ्लावर होते थे। अभी फ्लावर का सीजन नहीं इसलिए फ्लावर नहीं है, और एक काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं फ्लावर सीजन में। आप लोग भी जरूर आना फ्लावर सीजन देख के। यहाँ पर सब ये लोग यहाँ पर सब प्लेन करते हैं फ्लावर। अभी फ्लावर का सीजन नहीं है शायद इसलिए फ्लावर ही नहीं है, और कोई भी नहीं आता है आजकल क्योंकि ताला लगा हुआ है, इसके वजह से एक भी इंसान नहीं दिखेगा। पता नहीं आप लोग को देख पा रहा है कि नहीं, मेरे पीछे स्टैचू है। ये सब स्टैचू बोडो कास्ट जो होता है ना, बोडो कास्ट का फाइटर थे ये एक ज़माने में, तो इसका एक सेमेट्री है यहाँ पर। मैं पास में जाके आप लोग को दिखाता हूँ, फिलहाल अभी यहाँ पर फ्लावर्स नहीं है, फ्लावर्स का सीजन नहीं है शायद इसलिए फ्लावर्स ही नहीं है, वरना यहाँ पर मेरे पीछे जितने भी ग्रीन ग्रीन देख रहे हो आप लोग यहाँ पर सब फ्लावर्स हुआ करते थे। फ्लावर का सीजन मतलब अभी किसी को भी अंदर नहीं आने दिया। यहाँ पर ये सारे के सारे बोडो फाइटर्स थे, बोडो फ्रीडम फाइटर। यहाँ पर बहुत सारे स्टैचू है ऐसे ही, ये काफ़ी खूबसूरत दिखती है जब भी ये जगह साफ करते हैं, तो अभी फिलहाल साफ नहीं है, और यहाँ पर सब फ्लावर हुआ करते थे। जो लोग भी लोकल थे वो लोग को पता है कितना खूबसूरत दिखता है ये जगह, सराउंडिंग फ्लावर से फील्ड अप होता है। बता देता हूँ जो मैंने हाथ में लिया था वो क्या चीज़ थे, वो चीज़ है एक ट्रेन टिकट जो मैं और एक दोस्त जाएगा कहीं घूमने के लिए, नहीं कुछ काम है उसके वजह से जा रहे हैं हम लोग। अराउंड 720 किलोमीटर फार अवे है जहाँ से हम लोग रहते हैं, थोड़ा दूर भी है, लगभग एक दिन लग सकते हैं ट्रेन में ही, तो उसकी वजह से हम लोग जा रहे हैं 2-3 दिन के बाद। और एक न्यूज़ ये भी है कि हम लोग का एग्ज़ाम आ रहा है पास में, बहुत पास में, पता नहीं मैं अगर एग्ज़ाम तो ऑनलाइन है तो मैं वहाँ से भी ले सकता हूँ एग्ज़ाम को, और PDF फाइल करके सेंड भी कर सकता हूँ टीचर को, और वरना हम लोग पहुँच भी जाएगा शायद यहाँ तक एग्ज़ाम का पहले, पता नहीं क्या होता है। देख मैं आज आप लोग को ज़्यादातर दिखा नहीं पाऊँगा इस जगह को अच्छी तरह से क्योंकि यहाँ पर फ्लावर्स नहीं है। जब भी यहाँ पर फ्लावर्स होंगे मैं अच्छी तरह आप लोग को फिर से इस जगह को एक्सप्लोर करूँगा। और ये जगह कोकराझार में ही है, कोकराझार, और ये लोकेटेड है
बोर्डो यूनिवर्सिटी के पास में, बहुत पास में, बालागाँव। हाँ ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बहुत ब्यूटीफुल है ये प्लेस, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत राइडिंग बोट का प्लेस भी है, बोट पेडलिंग का जगह भी है यहाँ पर। यहाँ पर ला के रखा था ऑलरेडी, अभी फिर से लेके गया मैं, वहाँ तक नहीं जाऊँगा। वो भी छोटा छोटा घर है, रेस्ट रूम, और ये है एक बोट के लिए, पेडलिंग बोट के लिए। और अभी मैं वापस जाता हूँ। एक दोस्त उधर ही रुका है, वो नहीं आया इस तरफ, तो मैं अभी वापस चलता हूँ। और मैं जिसके साथ जाने वाला हूँ, ये दोस्त यही है, हम दोनों जाएंगे उसी जगह पर। आप लोग को गेस करना पड़ेगा आप लोग कहाँ जाने वाले। नेक्स्ट ब्लॉग आएंगे उसी जगह का ही जहाँ पर हम दोनों जाने वाले हैं ना। तो आप लोग का क्या करना होगा, गेस हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, इसका भी नया, मतलब इसका भी चैनल है, लेकिन ये बहुत अनरेगुलर है चैनल पे, कभी एक्टिव नहीं रहते, फिर भी उसका थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर ज़्यादा है मेरे से। सब्सक्राइब कर देना। उसका भी क्या नाम है, मिस्टर ह्यूवेन। मिस्टर ह्यूवेन है, ये एक्टिव ही नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी ये मतलब मैं बोलते रहता हूँ। इसके जैसे अमीर नहीं, कैमरा नहीं है। नहीं, मैं अमीर नहीं हूँ भाई, तू ज़्यादा अमीर है मेरे से। मैं हमेशा बोलते रहता हूँ उसको, तेरा मतलब सब्सक्राइबर इतना ज़्यादा है, तू मतलब ब्लॉग डालते रहना और या कुछ भी डालते रहना, एक्टिव रखना, लेकिन ये मानता ही नहीं है, कुछ भी नहीं करते, बस ये वीडियो बनाता है लेकिन ये डालता नहीं है। क्या होता है उसको पता नहीं, मैं भी, लेकिन मैं इस बार बोलूँगा उसको डालने के लिए। इस बार डालेंगे ना जहाँ पर हम लोग जाएंगे, या इस बार ये एक्टिव रहेगा जहाँ पर हम जाने वाला है, हम दोनों ही जाएंगे साथ में। ये है ह्यूवेन सॉन्ग, मिस्टर ह्यूवेन सॉन्ग, हम दोनों साथ में पढ़ते थे कॉलेज में। ये पास में है कॉलेज भी ना, वही है, उधर भी है कॉलेज, सामने है, इसके पास में है। हम लोग ने फर्स्ट ब्लॉग भी साथ में ही किया था। हाँ, फर्स्ट ब्लॉग जो सरोवरा का ब्लॉग है, हम दोनों ने स्टार्ट किया। ये बहुत हेल्प किया मेरे लिए, मतलब कैमरा से मेरा पकड़ के पूरा सिखाया थोड़ा बहुत, मतलब मुझे तो आता नहीं था पहले से, मतलब अभी भी नहीं आता है थोड़ा थोड़ा, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोग सपोर्ट देते रहना और हमेशा के लिए, तब तक के लिए जय हिंद। ये इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड कर देते हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, क्योंकि कमेंट करने से एंगेजमेंट बढ़ता है। ओके, कमेंट करना भूलना भाई। ओके, फॉलो हियर ऑन इंस्टाग्राम। ओके, अगर आप लोग को फॉलो करना है तो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो चलते, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर देते हैं।